हेलो एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं रविंदर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके, बिग बॉस सीजन वन के रह चुके कंटेस्टेंट और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार, जी हाँ इतनी बड़ी हस्ती की हो चुकी हैं आंखें नम, जी हाँ उनकी आंखों में देखने को मिल रहे हैं आंसू। ऐसा क्या हुआ है उनके साथ, आपको मैं बताऊँ। ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े स्टार कलाकार और बिग बॉस के सीज़न वन में रह चुके कंटेस्टेंट, और बिग बॉस सीजन वन के कंटेस्टेंट के बाद जो मिला इन्हें फेम, जो मिली इन्हें कामयाबी, यार वो देखने लायक है और उससे आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वो कौन कलाकार है। जी मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस सीजन वन के कंटेस्टेंट रह चुके रवि किशन की। जी हाँ रवि किशन से तो आप सब लोग परिचित ही हैं कि रवि किशन कौन है, भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा कलाकार, और आज उनकी आँखें नम हैं। जी हाँ क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, तो चलिए यार हम आपको बताते हैं। रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन, जी हाँ रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन जो थे दिल्ली एम्स में भर्ती, दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बावजूद उनका इलाज चल रहा था, कैंसर से पीड़ित थे वो और उनका हो चुका है निधन। जी हाँ रवि किशन के बड़े भाई रमेश किशन का हो चुका है निधन, जिस वजह से रवि किशन की आँखें हैं नम। रवि किशन रमेश किशन को अपना बड़ा भाई ही नहीं यार, अपने पिता के समान मानते थे, उनका काफ़ी ज़्यादा आदर करते थे और उनकी हर एक बात की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे। रमेश किशन के इलाज के लिए रवि किशन ने यार क्या कुछ नहीं किया, दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती तक वो हो चुके थे और उनका इलाज चल रहा था, कैंसर से यार वो पीड़ित थे और कैंसर से बचना यार सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और वो नहीं बच पाए। रवि किशन इस वजह से हैं काफ़ी ज़्यादा उदास और उनकी आँखें हैं सबसे ज़्यादा नम, क्योंकि उनके एक तरह से उनका बड़ा भाई नहीं उनके पिता गए, वो अपने पिता समान मानते थे अपने बड़े भाई को, आज हो चुका है उनके साथ ये हादसा। अब यार हमारी तरफ से उनको काफ़ी ज़्यादा संवेदनाएं हैं और यार आप भी कमेंट सेक्शन में उन्हें संवेदनाएं देना ना भूलें।